Hi guys, welcome back to our YouTube channel, I Am Brothers. So if you don't know me, I am Raghav Grover, a second year BCom student currently preparing for CAT exam. So video के title से आपने पढ़ी होगा, आज हम देने वाले mock test. If you know, मेरे 2 months complete हो चुके हैं इस CAT preparation journey में. तो आज इस mock test से हम अपनी progress check करेंगे and कुछ practice भी हो जाएगी, क्योंकि ये mock test देने काफी जरूरी है, जैसे कि भैया ने भी बताया है. तो आज भी जो मैं mock test दूंगा वो मेरा 3rd mock test होने वाला है. एक मॉक टेस्ट मैंने स्टार्टिंग में दिया था एंड एक मिडल में. वो दोनों मॉक टेस्ट दिए थे मैंने कैटिंग के एंड उसमें मेरा स्कोर आया था 3360 में से. लेवल इजी था उसका थोड़ा, बट या 33 स्कोर आया था. सो अब आज हम मॉक टेस्ट देंगे ओसवाल की बुक से. इस बुक का भैया गिव अवे भी कर रहे हैं एंड आई थिंक 4-5 गिव अवे कर दिए और मैंने पोस्ट भी कर दिए वो कल. आगे भी गिव अवे और करते रहेंगे, वीडियो जरूर देखना एंड लाइव ज्वाइन करते रहना, आप भी जीत सकते हैं गिव अवे. एनीवेज मूव ऑन करते हैं एंड आज इस बुक में से हम कैट 2021 का एक फर्स्ट शिफ्ट का मॉक टेस्ट देंगे एंड लेट्स सी देखते हैं कैसा स्कोर जाता है, कैसा रहता है. आई एम फुली रेडी. ये होगा मेरा 3rd मॉक टेस्ट एंड ये है ओसवाल की बुक जो मैंने आपको दिखाई थी. ये है कैट 2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर एंड ये मैं रिवीजन नोटबुक साइड पे रखी हुई है, क्योंकि अगर कुछ फॉर्मूला भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ से देख लूँ. एक बार अभी स्टार्टिंग है तो फॉर्मूलाज मैं थोड़ी भूल जाता हूँ एंड ये टाइमर भी लगा लिया है मैंने 40 मिनट्स का. एक सेक्शन जब ओवर होगा इसको हम रिस्टार्ट कर लेंगे एंड सो दैट कि टाइमिंग का भी फुल ध्यान रहे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज ओवर नाउ एंड जस्ट 1 मिनट ही पड़ा अभी एंड 1 मिनट अब क्वेश्चन क्या ही होगा. तो मैंने अटेम्प्ट किए हैं 11 क्वेश्चंस, लेट मी शो यू. इसमें से 2 RCs किए मैंने, 2 RCs में से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड 3 मैंने किए एसेंस ऑफ द पैसेज एंड 1 किए जंबल वर्ड्स. तो टोटल मैंने VRCs अटेम्प्ट किए 11 क्वेश्चंस एंड RCs में तो काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी मुझे. इवन जो फर्स्ट RC था उसमें ही 18-19 मिनट्स चले गए थे. जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करा था सेकेंड टाइम पढ़ा तब थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हुआ एंड जो क्वेश्चंस भी थे उसमें भी मेरे से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती थी, बाकी 2 रह जाती थी, उसमें कन्फ्यूजन रह जाती थी. तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन ही है जो मेरे को फुली श्योर हुआ कि ये सही लग रहा है. 8 क्वेश्चन होते हैं RCs में, उसमें 7 अटैम्प्ट किए. जो 1 क्वेश्चन था उसकी तो 1 ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हो रही थी तो मैंने वो छोड़ दिया. टाइमर को रिस्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट सेक्शन भी होगा 40 मिनट्स का, आई थिंक LRDI है. LRDI का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट सेट ही मैंने उठा लिया, मुझे लगा थोड़ा कर लूँगा मैं, बट काफ़ी डिफिकल्ट निकला वो एंड काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया उस पर, कर नहीं पाया. कुछ और सेट मुझे आते थे वो मैं कर पाया, तो बाकी 2 सेट मैंने फिर भी कर लिए एंड 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सेक्शन में एंड मैंने रीसेट भी कर लिया टाइम. अब बारी है क्वांट्स की, तो लास्ट सेक्शन है, ये करके कंप्लीट हो जाएगा मेरा मॉक टेस्ट एंड देन देखेंगे रिजल्ट. इस सेक्शन में मैंने अटेम्प्ट किए 10 क्वेश्चंस. You know it hurts me too. I just wonder what you're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that. That looks that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Laying eyes in the middle of June. Heat waves been faking me out. Heat waves been faking me out. Finally, last section, यानी कि quants का section भी खत्म हो चुका है. Full mock test complete दे दिया मैंने. And इस section में से मैंने attempt किए
12 क्वेश्चंस. वन सेकंड, एंड टाइम भी खत्म होने वाला है जस्ट. तो मैंने इस सेक्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए अरिथमेटिक के, नंबर सिस्टम के भी कुछ किए, बट नंबर सिस्टम का देखा मैंने कि मुझे इतने कंसेप्ट याद नहीं थे. एंड जिस तरह के क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में आए थे, स्मोक टेस्ट में आए थे, उस टाइप के मैंने कर नहीं रखे थे. तो मतलब काफी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस भी मुझे करनी है काफी. एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स नाउ. तो रिजल्ट आ चुका है एंड चेक कर लिया मैंने. टोटल स्कोर से पहले आपको मैं सेक्शन वाइज स्कोर दिखाता हूँ. VARC का सेक्शन तो मैंने चेक कर रहा था. पहला चेक किया गलत, दूसरा किया गलत, तीसरा किया गलत, चौथा भी गलत. भाई पहले आरसी में मेरे चारों के चारों गलत हैं. सेकंड आरसी में से मेरे दो सही हो गए एंड तीन ये मेरे एसेंस ऑफ द पैसेज वाले सही है. मतलब कि एसेंस ऑफ द पैसेज वाला मतलब पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तीन क्वेश्चन ही थे, तीनों के तीनों वही सही है मेरे. टोटल स्कोर 15 बने 5 क्वेश्चन में से एंड 5 की होगी नेगेटिव मार्किंग. 10 स्कोर बना है मेरा VARC का. एंड देन उसके बाद था LRA. पहले सेट पे मैंने काफ़ी मतलब अटेम्प्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, काफ़ी डिफिकल्ट था, हुआ नहीं मुझसे. बट लास्ट टू सेट्स ये तो डाटा बेस था, DI का था, ये इजी था, ये हो गया. इस पे भी थोड़ा काफ़ी टाइम लगा. इस पे एक्चुअली मैंने रिवीजन नोटबुक भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है तो मैंने रिवीजन नोटबुक से थोड़ी हेल्प ले ली थी. थोड़ा कंसेप्ट तो भूल गया था बट थोड़ी और प्रैक्टिस करूँगा तो ये सेक्शन मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड यहाँ से 10 क्वेश्चन सही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 स्कोर बना मेरा, काफ़ी अच्छा गया है सेक्शन. देन उसके बाद क्वांट सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किए थे 12 क्वेश्चन, देख सकते हो, जिसमें से 10 सही है मेरे, इसके 30 मार्क्स उसके, एंड दो गलत है, दो की होगी नेगेटिव मार्किंग. 28 स्कोर बना है इस सेक्शन में से. टोटल स्कोर बन गया मेरा 68. आई थिंक ये स्कोर बुरा तो बिल्कुल नहीं है. वर्बल का छोड़ के, वर्बल में तो काफ़ी बुरा हाल था, आपने देख लिया मेरा. क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं थोड़े तुक्के लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि सही हुआ कि नहीं. तभी मेरी फर्स्ट RC में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं है. 11 अटेम्प्ट किए थे मैंने, एक टीटा वेस्ट था एंड 5 की नेगेटिव मार्किंग होगी. तो 10 स्कोर बना मेरा वर्बल से. बाकी क्वांट्स और LRA काफ़ी अच्छे गए, उसको भी उसकी प्रैक्टिस तो करनी है, फिनिशिंग देंगे थोड़ी उसको अच्छे से. वर्बल की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ ही अटेम्प्ट करूँ कुछ RCs, 1-2 जितने हो सके, मिनिमम 2 तो करूँ ही रोज़ ताकि प्रैक्टिस हो जाए करने की. कैट 2021 का क्वेश्चन पेपर ही अटेम्प्ट किया था, रियल कैट मॉक ही था एंड ये मैंने किया था ओसवाल की बुक से. अगर आप भी करना चाहते हो तो केशव भैया के लाइव ज्वाइन किया करो, बुक्स पड़ी हैं अभी 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 भी गिव अवे के स्लॉट्स बाकी हैं, तो प्लीज ज्वाइन करो एंड गिव अवे जीतो. दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, काफी थक गया हूं मैं. बाय बाय.